लॉकडाउन में भारत फाइनेंस कंपनी के द्वारा ऋण वसूली मामले को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। मामला पचम्बा थाना क्षेत्र के आजाद नगर का है। बताया जाता है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से फाइनेंस कंपनी द्वारा ऋण दिया गया था। प्रत्येक सप्ताह इन महिलाओं से लोन के किस्त की वसूली की जाती है। इसी को लेकर आज आजाद नगर में एक छोटे से कमरे में फाइनेंस कंपनी के कर्मी दर्जनों महिलाओं को बुलाकर उनसे ऋण वसूली कर रहे थे। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। वहां मौजूद महिलाओं ने मास्क तक नहीं पहना था। फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारी द्वारा लॉकडाउन में किस्त की राशि ब्याज के साथ मांगने पर वहां मौजूद महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जहां उन लोगों के समक्ष खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऋण व ब्याज कैसे दें? तो नहीं चल रहा, क्या मामला है? राजमिस्त्री में चल रहा है, दुकान दो दिन खुल रहा है, गैरेज में बंद हो गया है। तो कमा रहेगा तब ना हम लोग भरेंगे। आता दिन तो कोई किस्म के बात नहीं हुआ। हम लोग भरते लिए हम लोग दिए और लिए है हम लोग देंगे। अब कमाई नहीं चल रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग? क्या मामला बताइए? भर रहे हैं सर, तो बोलता कि बोले किस्ती जमा कीजिए। अगर किस्ती जमा नहीं कीजिएगा तो उसमें हर हफ्ता आपको 150 रुपए बढ़ा ब्याज लगेगा। अब सवाल उठता है कि जहां एक और लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की बैठक पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस कंपनी को एक कमरे में दर्जनों महिलाओं को बिठाकर मीटिंग करने व ऋण वसूली की इजाजत किसने दी? जब इस बाबत संबंधित फाइनेंस कंपनी के कर्मी तबरेज आलम से पूछा, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए अपने बॉस को बुलाने का बहाना बनाते हुए बाइक स्टार्ट कर भागने लगे। अब तबरेज जी, यहाँ पर फाइनेंस कंपनी से आए पैसा वसूल रहे महिलाओं से, तो आप बैठक की इजाजत लिए थे? आप बैठक की इजाजत लिए थे? हेलो। बहरहाल फिलहाल एक और कोरोना को लेकर सरकार व जिला प्रशासन गरीबों की मदद कर रही है, वहीं दूसरी ओर फाइनेंस कंपनी नियम कानून के साथ साथ इंसानियत को ताक पर रखकर सिर्फ पैसे की उगाही में लगे हुए हैं। लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला